हेलो दोस्तों, तो मैं आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है मैंगो कस्टर्ड की, जो कि बहुत इजी है और बहुत कम इंग्रेडिएंट के साथ बन के तैयार हो जाती है और बहुत जल्दी से बनती है। तो चलिए, तो वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा जिससे मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन तक आ जाए। तो अगर आपको वीडियो मेरी अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने लिया कढ़ाई, इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा सा पानी, 2 से 4 चम्मच। अब मैं डालूंगी इसमें दूध। तो यहाँ पे मैंने काउ मिल्क का इस्तेमाल किया है, ये 2 लीटर दूध डाल रही हूँ मैं इसमें। आप चाहे तो फुल फैट क्रीम जो दूध आता है वो भी डाल सकते हैं। तो यहाँ मैंने दूध डाल लिया है। दूध डालने के बाद मैं 1 कटोरी दूध अलग से निकाल लूँगी, इसमें मैं कस्टर्ड पाउडर मिक्स करूँगी। तो आपको ठंडे दूध में ही कस्टर्ड पाउडर मिक्स करना है। ये अभी दूध गर्म नहीं है, अभी ये दूध ठंडा ही है, तो मैं इस ठंडे दूध में निकाल के मैं साइड में रख दूँगी। इस दूध को जो मैंने कढ़ाई में रखा है मैं पहले एक बस को अच्छे से चला लूँगी। तो मैं इसमें बीच बीच में चलाती रहूँगी जिससे जो दूध है वो नीचे ना लगे। अगर दूध नीचे लगेगा तो उसे कस्टर्ड जो होगा बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। तो आप बीच में चलाती रहिएगा। तो यहाँ पर मैंने दिया है अनार, तो यहाँ पर भी लिया है मैंने आम, और यहाँ पे लिए 2 केले। आप अपनी पसंद के भी कोई सा भी फ्रूट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया कस्टर्ड पाउडर, आप किसी भी कंपनी का कस्टर्ड पाउडर ले सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 4 से 5 चम्मच बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर इस ठंडे दूध में घोल लूँगी। तो हमें कस्टर्ड पाउडर को ठंडे दूध में ही घोलना है, तो हमें कस्टर्ड पाउडर को गर्म दूध में नहीं घोलना है और ना ही हमें डायरेक्टली पाउडर को हमें गर्म दूध में डालना है। तो हमें इस तरीके से ठंडे दूध में कस्टर्ड पाउडर को इस तरीके से मिक्स करना है, इसका पेस्ट बना लेना है हमने। उसके बाद हम इसको गर्म दूध में थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। तो यहाँ पे मैं अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, इसमें कोई लम्स नहीं होने चाहिए, गुठलियाँ नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पे मेरा कस्टर्ड पाउडर जो है वो मिक्स हो चुका है दूध के अंदर। तो अब मैं रख दूँगी इसको साइड में। इसके बाद अब चलते हैं दूध के पास। तो यहाँ पे मेरा दूध अभी गर्म नहीं हुआ है, तो दूध उबलने का वेट कर लेते हैं। तो दूध यहाँ पे उबल चुका है। तो दूध उबलने के बाद अब मैंने इसको अच्छे से चला लिया है, चलाना ज़रूरी है इसमें। चलाने के बाद अब मैं डालूँगी इसमें चीनी। यहाँ पे मैंने लिया 1 कप चीनी, ये मेजरिंग कप है, मैंने उससे 1 कप चीनी लिया है। अगर चम्मच से देखेंगे तो ये 16 से 17 चम्मच है, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 2 लीटर दूध के लिए इतना चीनी ठीक होता है। तो मैं इसको अच्छे से मेल्ट होने दूंगी। जैसे ये मेल्ट हो जाएगा तो अब मैं इसमें डालूंगी कस्टर्ड पाउडर जो मैंने घोल के रखा था। मेल्ट होने के बाद अब हम डालेंगे इसमें कस्टर्ड जो हमने दूध में घोल के रखा था पाउडर। तो इसको अच्छी तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद अब मैं डालूंगी इसको दूध में। तो मैं एक साथ ही पूरा दूध में नहीं डालूंगी, मैं इसमें थोड़ा थोड़ा डालूंगी और इसको चलाती रहूंगी। इससे ये होगा कि कस्टर्ड जो होगा हमारा नीचे जाके बैठेगा नहीं और वो अच्छे से पूरे दूध में मिक्स हो जाएगा और उसमें कोई लम्स नहीं आएगा। तो आप भी इसी तरीके से करिएगा जिससे आपका कस्टर्ड होगा बहुत स्मूथ बनेगा। तो इस तरीके से आप डालिएगा थोड़ा कस्टर्ड जो आपने मिक्स किया है दूध के अंदर, और मिक्स करने के बाद उसको चलाइएगा। तो उसको छोड़िएगा बिल्कुल नहीं, इसको चलाते रहिएगा। तो 6 से 7 मिनट में हमारा जो कस्टर्ड होगा वो रेडी हो जाएगा। आपको पता कैसे चलेगा कि साइडों में आपका जो दूध होगा वो थिक होने लग जाएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका कस्टर्ड जो है वो रेडी हो चुका है। जो ये सारा प्रोसेस है हम सारा का सारा स्लो फ्लेम पे करेंगे, हाई फ्लेम पे नहीं करेंगे। अगर हमने हाई फ्लेम पे किया तो जो कस्टर्ड होगा नीचे लग जाएगा, उससे हमारा टेस्ट जो होगा कस्टर्ड का बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा, जला जला टेस्ट आएगा। तो इसलिए हम सारा प्रोसेस स्लो फ्लेम पे करेंगे। तो 6 से 7 मिनट बाद आप देखेंगे कि कस्टर्ड हमारा बन के रेडी हो गया है। तो आपका कस्टर्ड जब पक जाएगा तो आपको पता चल जाएगा साइडों से आपका जो कस्टर्ड होगा थिक हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं दिखा रही हूँ चम्मच के पीछे वाले साइड से। तो आप हल्का सा उंगली से आप ऐसे करेंगे ना, इस तरीके से हल्का सा ऐसे, तो आपको दिख जाएगी उस पर एक लेयर बन जाती है मोटी सी। इस तरीके से आपका पक गया है और ये जो आपका दूध होगा वो भी गाढ़ा हो जाएगा। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब मैं इसका फ्लेम कर दूँगी ऑफ, और मैं इसको आने दूँगी रूम टेम्परेचर पर। तो जब तक रूम टेम्परेचर पे आएगा तब मैं इसमें डालूंगी फ्रूट्स। गरम में बिल्कुल भी मत डालिएगा फ्रूट्स, अगर आपने गरम में डाला तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा। तो मैं इसको रूम टेम्परेचर पे आने का वेट करूंगी, तब तक मैं मैंगो का प्यूरी तैयार कर लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक आम लिया है, तो मैंने इसको ग्राइंडर में डाल लिया है। यहाँ पर मैंने डाला है 2 चम्मच चीनी। आप
तो चीनी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आप खाते हैं। तो मैं मिलती हूँ इसका प्यूरे बनाकर। तो यहाँ बन गया है मेरे आम का प्यूरे, तो मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं डालने के बाद मैं इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। अच्छे से मिक्स होने के बाद मैं इसको रख दूँगी, इसमें सारे फ्रूट्स डाल के मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर 2 से 3 घंटे के लिए। जो मेरा कस्टर्ड है वो मैंने रूम टेम्परेचर पे आ चुका है, तब मैंने ये मैंगो का जो प्योरे है इसके अंदर डाला है। आप गर्म में बिल्कुल भी मत डालिएगा। अगर आपने गर्म में कोई भी फ्रूट्स डाले तो उसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आएगा और वो थोड़ा सा सौगी सौगी सा लगेगा। तो इसीलिए इसको रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही आप कोई भी फ्रूट इसमें डालिएगा। तो इसमें फ्रूट डालने के बाद इसको फ्रिज में आप रख दीजिएगा, जब ये अच्छे से ठंडा हो जाए उसके बाद ही सर्व कीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने जो आम का प्योरे डाला है मैं उसको अच्छे से मिक्स कर ले रही हूँ, जिससे इसमें कोई गुठलियाँ ना रहे इसमें आम की, अच्छे से इसमें कलर भी आ जाएगा। और एक और चीज़ ये है कि जो आप आम लेंगे वो बिना रेशे वाले लीजिएगा। तो यहाँ पे मैंने सारे जो फ्रूट थे वो कट कर लिए हैं, अब मैं इसमें डाल रही हूँ। ये जो कस्टर्ड है मेरा रूम टेम्परेचर पे आने के बाद ही मैं इसमें डाल रही हूँ सारे फ्रूट्स। तो मैं इसको डाल दूंगी और उसके बाद मैं इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ पे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेने के बाद मैं इसको रख दूँगी फ्रिज के अंदर। तो मैं इसको रख दूँगी फ्रीज़र में 2 से 3 घंटे के लिए। अगर आप चाहे तो उसको फ्रिज में रख सकते हैं ओवरनाइट के लिए। फ्रीज़र में बिल्कुल भी मत रखिएगा ओवरनाइट। अगर आपने फ्रीज़र में रखा ओवरनाइट तो इसमें क्रिस्टल आ जाएंगे, जो बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं ना वो आ जाएंगे और वो खाने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो यहाँ मैंने निकाल लिया दूसरे बाउल में, अब मैं इसको रख रही हूँ फ्रीज़र में। तो यहाँ पर फ्रीज़र में मैंने रख दिया है। तो ये 2 से 3 घंटे बाद ये देख सकते हैं आप कस्टर्ड जो है वो थोड़ा सा थिक हो चुका है और ये अच्छे से सेट हो गया है। तो मैं अब निकाल लेती हूँ इसे सर्विंग बाउल में सर्व करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे निकाल लिया है इस तरीके से सर्विंग बाउल में, और ये जितना देखने में सुंदर लग रहा है उतना खाने में भी बहुत सुंदर है, अच्छा है। तो ये ठंडा ठंडा ही सर्व कीजिएगा, अगर आप इसको गर्म सर्व करेंगे या उसमें मज़ा नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है आम के स्लाइसेस। तो ये देखिए मैंने आम के स्लाइसेस कट कर लिए हैं और यहाँ पे रख दिया है, मैंने डाल दिया है। आप चाहे तो यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं या ऊपर से थोड़े से और भी फ्रूट्स डाल सकते हैं। आप चाहे तो इस पे आइसक्रीम भी डाल सकते हैं, इससे और भी अच्छा लगेगा। अब मैं यहाँ पे डाल दूँगी रोज़ की पंखुड़ियाँ, जिससे ये देखने में सुंदर लगता है और खाने में भी। तो इस तरीके से देखिए, तो यहाँ पे मेरा रेडी है कस्टर्ड, मैंगो कस्टर्ड। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। ऐसी अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ।